हेलो फ्रेंड्स, सलाम अलैकुम। आपको ये जो जामिल का टिलर नज़र आ रहा है, ये जामिल का टिलर जो है, ये हमारा ट्रिप हुआ पड़ा है, तो आज हम इसको रीसेट करेंगे और इसका अलार्म जो स्टेटस आता है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा और इसका फॉल्ट वगैरह जो है वो भी हम ट्रेस करेंगे कि किस फॉल्ट की वजह से ये जो है हमारा अलार्म आया हुआ है। तो अगर आप हमारे चैनल पर अभी नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलता रहे। तो वीडियो शुरू करते हैं फ्रेंड्स। ये सबसे पहले जो है मैं आपको डिस्प्ले पे लेके चलता हूँ। ये आप डिस्प्ले देख रहे हैं, इसमें जो है आपको अलार्म दिखाने की कोशिश करूँगा। ये देखें, अलार्म मास्टर आ रहा है इस पर, फ्रीजिंग प्रोटेक्शन, फ्रीज प्रोटेक्शन का जो है इसका अलार्म आ रहा है, ठीक है। तो ये हमने देखना है ये इसमें फॉल्ट कहाँ पर है। ये जो हमारा फ्रीजिंग प्रोटेक्शन फेलियर का जो अलार्म है, बेसिकली जो है ये जो हमारा जो कंप्रेसर का सक्शन वाली साइड की लाइन होती है, ये जो शेल एंड ट्यूब टाइप आपको नज़र आ रहा है, ये देख रहे हैं, ये कंप्रेसर है और ये जो है आपको सक्शन लाइन जो है ऊपर से, ये सीधा जो है हमारे शेल एंड ट्यूब टाइप में जो चिल्ड वाटर का काम करता है उसमें जा रही है ये लाइन। और इसमें जो सेंसर होता है वो एक सेंसर ख़राब है, जिसकी वजह से जो है हमारा चिलर जो है पूरा ट्रिप हुआ बड़ा है। वो सेंसर भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये एक सेंसर, ये देखें, ये सक्शन लाइन पे लगा हुआ है, ये दूसरी कंप्रेसर वाली साइड पे है और ये जो कंप्रेसर है ये इस लाइन पे लगा हुआ है, ठीक है। ये आप देख रहे हैं, ये इसका जो सक्शन लाइन है, जो हमारा शेल एंड ट्यूब टाइप ये जो लाइन अंदर जा रही है चिल्ड वाटर करने के लिए, इस ये जो है हमारा सेंसर, ये हमारा सेंसर जो है डिफेक्टिव है, ये हमें रिप्लेस करना पड़ेगा और उसके बाद ही हमारा चिलर जो है वो नॉर्मली काम करना लगेगा, ठीक है। और उसके बाद अभी हम इसे रीसेट करके दोबारा जो है हम इसको स्टार्ट करके देखते हैं, इसको निकाल कर हम इसे जो है स्टार्ट करके देखते हैं कि ये दोबारा भी अगर ये ट्रिप होता है चिलर हमारा, तो इट्स मीन के हमारा जो है सेंसर प्रॉब्लम है, ठीक है। तो अभी जो है हम चलते हैं डिस्प्ले की तरफ, दोबारा जो है हम इसे रीसेट करेंगे और उसके बाद दोबारा चेक करेंगे। चलते हैं अभी चिलर की तरफ, डिस्प्ले में जो है हम इसको ऑन करेंगे दोबारा, यहाँ से जो है हम इसे स्केप करेंगे। स्केप करने से जो है हमारा अलार्म जो है वो रीसेट हो जाएगा और उसके बाद जो हमारा चिलर है वो स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं ये अगर ट्रिप होना होगा तो कितने मिनट बाद ये ट्रिप हो जाएगा या सेकेंड में ट्रिप हो जाएगा। ये भी स्टार्ट करते हैं इसको, कि हमारा जो इधर रेड लाइट थी वो ख़त्म हो गई है, चिलर को रीसेट कर दिया, अभी दोबारा ये जो है रन मोड में हो गया, ठीक है। अभी दोबारा जो हमने इसको स्टार्ट कर दिया, अगर ये दोबारा इसका जो है अलार्म आएगा तो अभी हमें पता चल जाएगा। ये हमारा एक कंप्रेसर नंबर वन जो है वो स्टार्ट हो गया, जैसे ही हमारा अलार्म आएगा हमें पता चल जाएगा कि ये हमारा अलार्म जो है दोबारा आ चुका है। और जैसे ही मैंने ये चिलर वगैरह स्टार्ट किया है, एक कंडेंसर फैन की जो मोटर है वो अब नॉर्मल साउंड जो है काम कर रही है, तो उसको जाके चेक करते हैं कि कौन सी मोटर है जो साउंड कर रही है। जब तक अगर हमारा चिलर नॉर्मल चलता रहेगा तो पता चल जाएगा, अगर ये ट्रिप हो जाएगा तो इट्स मीन के सेंसर जो है वो हमें चेंज ही करना पड़ेगा। तो मैं अभी चलता हूँ कंडेंसर फैन मोटर की तरफ, जो हमारी मोटर साउंड कर रही है उसको चेक करता हूँ कि कौन सी मोटर जो है वो अब नॉर्मल साउंड कर रही है। उसके बाद जो है मैं रिटर्न इधर ही आता हूँ। अगर चिलर ट्रिप होना होगा तो ट्रिप हो जाएगा, पता चल जाएगा कि ये इशू है। तो मैं अभी कंडेंसर फैन मोटर की तरफ जा रहा हूँ, वहाँ पर जो है मैं इसकी मोटर जो है वो चेक करता हूँ। मैं जो है चिलर्स की जो मोटर्स हैं, कंडेंसर फैन मोटर, ऊपर आ गया हूँ और मैं देखता हूँ कौन सी मोटर जो है वो अब नॉर्मल साउंड कर रही है, उसको चेक करने के लिए मैं आया हूँ। ये जो मोटर है ये देखें, ये चल रही है और ये हमारी मोटर जो है ये स्टक है और चिलर भी हमारा जो है दोबारा ट्रिप हो गया है। इट्स मीन के हमारा जो सेंसर है वो हमारा काम नहीं कर रहा, ये हमारी मोटर जो है ये स्टक है जिसकी वजह से ये साउंड कर रही थी। मैं इसके आपको कनेक्शन भी दिखाता हूँ कि हम इसके जो कनेक्शन है वो कैसे करते हैं।
ये हमारा चिलर जो है दोबारा ट्रिप हो गया है और फ्रीजिंग प्रोटेक्शन अलार्म की वजह से, जो मैंने आपको सेंसर दिखाया था शेल एंड ट्यूब टाइप की जो सक्शन लाइन में जा रहा है, उसकी वजह से जो है हमारा चिलर जो है वो ट्रिप हो गया। ये मैं अभी इसकी मोटर जो है मैं इसका कवर खोलने लगा हूँ, उसके बाद मैं आपको इसके कनेक्शन वगैरह भी आपको डिटेल में बताता हूँ। तो फ्रेंड्स ये आप देख रहे हैं कवर मैंने इसका खोल लिया, ठीक है, और मैं राइट साइड पे आ जाता हूँ ताकि आपको सही तरीके से पता चल सके। ये जो फ्रेंड्स आपको नज़र आ रही हैं ये वायर्स जो हैं ये हमारी जा रही हैं मोटर्स में, और ये जो हमारी आ रही है ये हमारी कॉन्ट्रैक्टर में से जो सप्लाई आ रही है इसको डिमांड देने के लिए ये वो आ रही है। और ये देखें ये जो दो आपको एक ही कलर की नज़र आ रही हैं ये हमारी वाइंडिंग प्रोटेक्शन के लिए दी हुई हैं। वाइंडिंग का जो सेंसर होता है वो उससे कॉन्ट्रैक्टर में से होकर वापसी जो ऐसे डिमांड है जिससे हमारी मोटर जो है रन करती है, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम होगा तो मोटर को डिमांड नहीं जाएगी। ये हमारी जो दो कलर की हैं ये वाली जो वायरें हैं, और बाकी ये वाली जो वायरें हैं ये हमारी उधर से डिमांड आ रही है अगर वाइंडिंग प्रोटेक्शन से होकर वापसी जा रही है। और ये जो हमारे कनेक्शन मैं आपको दिखाता हूँ ये देखें ये स्टार दी हुई है, एक रेड वाली में से होकर ब्लैक वाली इधर आई और इधर से एक ब्लैक वाली में से होके इधर ब्लू में आई, इन तीनों को जो है स्टार बनाया हुआ है, रेड को और ब्लैक को और ब्लू को, ये स्टार हैं हमारे। और ये जो है हमारे ये वाली जो है हमारी, मैं अभी आपको दिखाता हूँ, ये हमारी ग्राउंड की है, ये वाली जो है ये हमारी ग्राउंड की है, ठीक है। और ये तीन तारें जो हैं ये वाइट जो हैं ग्रीन और ये वाइट और ये ब्राउन, ठीक है, ये हमारी मोटरें को लगी जाके, देखें वन ये जो रेड वाली आई ये इधर ब्राउन को लग गई, और ये जो वाइट वाली आई ये हमारी येलो को लग गई, और ये जो ग्रीन वाली आई ये हमारी ब्लू को लग गई, क्योंकि ये हमने इसे डेल्टा में चलाना है, स्टार हमने इधर से दे दिया है और डेल्टा जो है हमारा वो इधर से हमने दे दिया, यहाँ से ब्राउन वाइट एंड ग्रीन। ये देखें ये तीन तारें अलग अलग पॉइंट में लगी हुई हैं, और बाकी जो रेड में ब्लैक में और जो ब्लू में ये इसको जो है ना हमने स्टार बनाया हुआ है, और ये हमारी ग्राउंड की है, और ये हमारी वाइंडिंग जो प्रोटेक्शन की है ये इधर से होकर वाइंडिंग में से दोबारा जो है हमारे कॉन्ट्रैक्टर कॉइल में जाती है, जिससे हमारी जो वाइंडिंग अगर सेफ होगी तो ये जो है काम करना स्टार्ट कर देगी मोटर। तो ये हमारी मोटर जो है ये स्टक हुई पड़ी है, ये देख रहे हैं दूसरी मोटर चल रही हैं और ये जो हमारी मोटर है ये स्टक हुई जी। तो फ्रेंड्स हम दोबारा जो है डिस्प्ले पे आ चुके हैं, चिलर हमारा जो है फ्रीज प्रोटेक्शन की वजह से जो है दोबारा अलार्म दे रहा है, क्योंकि हमारा जो सेंसर है वो काम नहीं कर रहा, फ्रीजिंग प्रोटेक्शन का फेलियर का अलार्म दे रहा है, तो हमें जो सेंसर है वो रिप्लेस ही करना पड़ेगा, ये वाला सेंसर जो है हमें रिप्लेस करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें और वीडियो को शेयर कर दें, ऐसी इन्फॉर्मेशन वीडियो देखने के लिए आप हमारा जो है हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में।